अभी देखो हमारे पास स्टार्टिंग की तीन कंडीशंस क्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनरिटी चेक करेंगे तो हमारे पास रिंग के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर है। अब हम इसमें कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। कॉन्जुगेशन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, नहीं क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा है, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, इस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्जुगेटेड भी है। अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो ये वाले हमारे पास जो डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कि लोन पेयर में प्रेजेंट है, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल हमारा जो मॉलिक्यूल है वो फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता तो हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाता एरोमेटिक। अभी देखो हमें पता होता है कि हमारे पास एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, एक हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं कि हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल एरोमेटिक में लग रहा था या फिर एंटी एरोमेटिक में। तो अच्छे से याद कर लो कि हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, वही हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है।